अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे के हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हलवे बनाने के लिए हमको चाहिए 3 अंडे, 3 चम्मच घी, 100 ग्राम चीनी, 2 कप दूध और कुछ ड्राई फ्रूट। अंडे को तोड़ के हम सफ़ेदी को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीले वाला हिस्से को यूज करेंगे, उसके बाद सफ़ेदी डालेंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे और इसी में हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्राई हो चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी के सारे घी हम इसी कढ़ाई में गरम कर लेते हैं। इसमें हम 3 हरी इलायची डाल दिए, इसको थोड़ा पकने देते हैं। हम दूध डाल देते हैं और इसमें हम दूध डाल देते हैं। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम अंडे को फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से फेंटेंगे, इसमें एकदम लम्स ना रह जाए। देखिए दूध में बॉईल आने लगा है। अब हम फ्लेम को कम करेंगे और इसमें हम अंडे को धीरे धीरे डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। अब देखिए पीले वाले हिस्से को हमने पहले डाला था, अब हम इसको अलग से डाल देंगे मिला के। ये अंडे की वाइट वाली है, इसको भी हम डाल के एकदम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही अंडे की सफ़ेदी को डालते हैं ना, वैसे ही दूध गाढ़ी होने लगती है। इसीलिए पहले हम पीले वाले हिस्से को पहले डालते हैं, उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, उसको थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद हम व्हाइट वाला हिस्से डालते हैं। अब देखिए दूध गाढ़ी हो रही है, अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब देखिए दूध अच्छी तरह से सोख चुका है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छी तरह से भून लेंगे। चीनी डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक और भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हलवा बनके रेडी हो चुका है, अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। हलवा बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।